नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जारी किए गए 3 अध्यादेशों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज पीपली में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। यूनियन द्वारा प्रदेश भर के किसानों में अनाज मंडी और आढ़तियों और मजदूरों ने इस रैली में बढ़ चढ़ कर पहुँचने का आह्वान किया था। वहीं दूसरी ओर सरकार के इशारे पर पुलिस ने पीपली जाने वाले सभी रास्तों का और अवरोधक लगा करके बंद कर दिए ताकि किसान मजदूर और व्यापारी इस रैली में न जा पाए, जबकि कल ही कृषि मंत्री ने इस रैली को स्थगित करने का आह्वान किया था। आज सुबह हरियाणा के अलग अलग जिलों से अनाज मंडी में भारी संख्या में किसान मजदूर और व्यापारी पीपली रैली के लिए जाने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन अलग अलग जगह पुलिस बल भी अनाज मंडियों में पहुँच गया। पूरे प्रदेश भर में उन्हें पीपली जाने से रोका। वहीं चारों तरफ अनाज मंडियों के गेट भी बंद कर दिए गए। हालांकि इसका विरोध करते हुए किसानों, मजदूरों और व्यापारियों ने नारेबाजी की। जिले भर में प्रदर्शन भी किए गए। किसानों व्यापारियों ने रोष जारी किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार और प्रशासन की सरेआम धक्केशाही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रच रही है। पल पल हरियाणा से विशेष रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन, हरियाणा सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, हेलो सुनो भाई, सुनो ये पुलिस प्रशासन की सुन लो। अपने देख रहा जैन संदालों में 40 करोड़ रुपये लेकर आ गया, सबने पता है, सारे लोग मंग रहे हैं। मजबूरी में करना पड़ा, गेट जाता तो मेरे को कैसे इन्हें तो ऐसा काम करते पाए जैसे मंदिर में किसी ने टैग हो गया नहीं है तो उसके लिए हम जिंदे उन्होंने तो लोगों ने खुद बना रखा है। मैं रामनिवास मित्तल, नई अनाज मंडी आड़ती। जो आज अध्यादेश के खिलाफ पिपली में महारैली हुई थी, उसके विरोध में हम सभी आड़तियाँ इकट्ठे हुए थे और पुलिस प्रशासन और सरकार ने हमारे सारे गेट बंद करा के हमारे को उस रैली में जाने नहीं दिया। जो हमने किसान का समर्थन किया था, वह था हम सभी व्यापारी अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं और किसानों का समर्थन करने के लिए इकट्ठे हुए थे। हमारे को बिल्कुल दंडों से रोका गया, सारे गेट बंद करके पुलिस ने एक भी गाड़ी मारी यहाँ से निकल दी, जबकि हमने पीपली का यहीं से लाइव समर्थन कर दिया। हमारे को समर्थन करने से रोष करती सरकार, जो हमारा रोजगार छीनने लग रही है। हम अपना विरोध तो करेंगे, हमारे लिए अध्यादेश के लिए खिलाफ भी शीघ्र प्रधान की अध्यक्षता में हमने आज सारी हड़ताल करी। सभी दुकानदार बंद हैं, सभी आड़ती बहुत ज़्यादा रोष है। ऐसी सरकार हमने कभी नहीं देखी जो रोष भी निकलने दी, कहते मारते हैं रोने भी देती, ऐसी सरकार हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी। और जो गेट बंद करके मंडी में पहली बार ऐसा जिंदगी में ये दृश्य देखने को मिला, जो इस सरकार को आने वाले टाइम में भुगतान करना पड़ेगा। या तो सरकार अध्यादेश वापस ले ले और हमारे व्यापारियों का सबका रोजगार वापस लाए, नहीं तो ये प्रदर्शन ऐसे ही चालू रहेगा। जैसे भी हमारी नेताओं की, जैसे भी प्रधान जी के, जैसे भी आदेश होंगे, हम उससे आपसे कार्रवाई करते रहेंगे। मेरा नाम कृष्ण मित्तल, मंडी प्रधान जी जी, अनाज मंडी का था। आज का जो प्रदर्शन है किसान बचाओ मंडी बचाओ के समर्थन में हम उतरे हैं जी। जो हरियाणा मोदी सरकार ने जो 3 अध्यादेश 5 जून 2020 को के दिन के विरोध में जो पिपली में भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित रैली का हम समर्थन करते हैं, वे किसान व्यापारी मजदूर मनीष सभी की रैली थी जी। उसमें जाने से हमारे को पुलिस प्रशासन ने रोक रखा जी। हम पूरी संख्या में सारे मंडी के 6 गेट हैं, मंडी के नए अनाज मंडी के 6 गेट बंद करे हुए हैं, आप देख भी सकते हो जाके। पुलिस प्रशासन ने इतना पहरा आ जैसे कि हम गद्दार हों, देशद्रोही हों, इतने ज़बरदस्त पुलिस प्रशासन ने करे इतना, मतलब अगर इतनी नोरा कुश्ती पुलिस प्रशासन एक लेख रहा जान संजाड़ा 40 करोड़ रुपये लेकर भाग्या मंडी के जी। उसके विरुद्ध पर्चा दर्ज था जी 29/7/2020 को खुला था, 29 जुलाई को। उसके वो पकड़ने में इतना जोर नहीं लगा जितना हमारे को रोकने में जोर लगा के पकड़े नहीं, वो तो पकड़े नहीं जाएगा, अपने जमानत ले गए जी। 5 के 5 पार्टनर उसने जमानत ले गए, जो सही काम था 40 करोड़ रुपये जो लेगा भाग्य उसके पास सब कुछ है, उसको तो पुलिस प्रशासन ने पकड़े नहीं जी।
जहाँ से देख रहे हैं कर रहे हैं जी, कर रहे हैं कार्रवाई, लेकिन जो हम अपने रोजगार के लिए अपना रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हमारा रोजगार खत्म हो शांतिपूर्ण तरीके से, हमारा मतलब ऐसे हमारा क्या, जब देशद्रोही हैं, सभी गेट बंद कर दिए जी, सभी गेटों में पुलिस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में खड़ी है, देखते हैं जैसे हम मतलब मंडी में नजर बंद कर रखे ऐसा काम करके हमारे साथ।